सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं। अलवर के किशनगढ़ बाद से बड़ी खबर है, विधायक दीपचंद खैरिया का भतीजा लापता है। ये बड़ी खबर, कल 2 बजे घर से निकला था किशनगढ़ बास के लिए, दिवाली पर वापस घर नहीं पहुंचा तो पिता शुभराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। किशनगढ़ बास थाना पुलिस ने हरियाणा में टीम भेजी, लोकेशन के आधार पर पुलिस की टीम गढ़ी गांव पहुंची। विधायक का भतीजा लापता है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। टीम को गढ़ी गांव टीम पहुंची और वहां पर अब पूछताछ लोगों से की जा रही है। विधायक दीपचंद खैरिया का भतीजा लापता है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल 2 बजे वो घर से निकला था किशनगढ़ बास के लिए, लेकिन दिवाली पर वापस घर नहीं पहुंचा तो पिता ने फिर रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस से शिकायत की। किशनगढ़ बास थाना पुलिस ने हरियाणा में टीम भेजी, लोकेशन के आधार पर, दरअसल लोकेशन जो ट्रेस की गई उसके आधार पर पुलिस ने टीम को भेजा। अश्वनी यादव मेरे सहयोगी आगे की जानकारी देंगे। अश्वनी, कुछ पता चल पाया भतीजे का? हाँ, देखिए मैं अपडेट कर देता हूँ कि जो विधायक का भतीजा है वो हरियाणा में मिल गया है, लेकिन अभी कहा जा रहा है घर नहीं लौटा है। परिवार के लोग भी वहाँ पहुंचे हैं, पुलिस की टीम पहले पहुंची थी। गढ़ी गांव पड़ता है अटेली थाना क्षेत्र में, यहाँ पर सूरत सिंह जो भतीजा है विधायक दीपचंद खैरिया का, उसकी लोकेशन के आधार पर टीम पहुंची थी। उसके बाद से बातचीत कराई गई है, परिवार के लोगों से बातचीत कराई गई है। वो सैर कुशल है लेकिन अभी तक वापस गांव के लिए रवाना नहीं हुआ है। उसका कहना है कि मैं खुद वहां पहुंचूंगा, वापस अपने आप आऊंगा, लेकिन पुलिस ने निश्चित तौर पर तलाश पूरी कर ली है और विधायक के भतीजे को ढूंढ लिया है। कहा जा रहा है कि भतीजा खुद लापता हुआ था, जानबूझकर गया था, और पुलिस में आज विधायक के भाई ने एक गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा गया था कि बीते दिन 2 बजे वो यहाँ से निकला, उसके बाद लापता हो गया। जी अश्वनी, क्यों घर से वो निकला था और आखिर ऐसा उसने क्यों किया, कुछ बताया है उसने? हाँ देखिए, साफ तौर पर अभी तक ऐसा कोई कारण सामने नहीं आया, परिजन इस बात को लेकर नहीं बता पा रहे हैं कि क्या कारण था, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के अंदरूनी कोई बात है जिस कारण भतीजा लापता हुआ। ये बात सामने आई है कि वो जानबूझकर गया है, वही बात उसने पुलिस को परिवार वालों को बताई है कि वो जानबूझकर घर से आया, लेकिन दिवाली पर, दिवाली वाले दिन परिवार के पास ही चले जाना, और क्योंकि वो शिक्षक भी है, यही पास के स्कूल में पोस्टेड है, तो इस तरह चला जाना जरूर कोई बड़ी बात है जिसके बाद वो लापता हुआ या जानबूझकर चला गया, लेकिन पुलिस ने उसे तलाश लिया। ठीक है अश्वनी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।